नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MP डेयरी वाला में। जैसा कि आप लोग सामने टाइटल में देख रहे हैं, सफल डेयरी फार्म के नियम। जी हाँ, डेयरी फार्म के भी कुछ अपने नियम होते हैं जिनको आप अगर अपना लेंगे तो फार्म को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु अगर वही नियम आप नहीं फॉलो कर पाएंगे, अगर उन नियमों का आप पालन नहीं कर पाएंगे, तो आपका डेयरी फार्म सफल होने में बहुत कठिनाई होगी या शायद सफल ना भी हो। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से नियम हैं जिनको हमको अपनाना चाहिए और जिससे अपन हम हमारा डेयरी फार्म को सफल बनाए रख सकते हैं या बना सकते हैं। और इसके पहले कि आपको मैं नियम बताऊं, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए। जी, पहला नियम है अच्छी नस्ल और हर साल बच्चा, ना हुआ तो कुछ ना होगा अच्छा। जी हाँ, एक अच्छी नस्ल की गाय भैंस आपको बहुत ज़रूरी है डेयरी फार्म को सफल करने के लिए, और उस गाय भैंस से हर साल एक बच्चा लेना आपके लिए कंपलसरी है। आपको हर साल एक बच्चा लेना ही पड़ेगा उससे। अगर ऐसा कर पाए तो आप डेयरी फार्म को पक्का सफल बनाएंगे। जी, घर का हो दाना बाहर से ना लाना। एग्जैक्टली, तो जो दाना आप अपने गायों को आप अपने भैंसों को देते हैं, वो जब बाहर से ख़रीद के लाते हैं, आपको वो पता नहीं होता उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, उसमें कितनी अच्छी गुणवत्ता है और कितनी गुणवत्ता नहीं है। तो कृपया कर मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जो भी बाहर से दाना खरीद रहे हैं ठीक है, मगर अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने घर पर दाना बनाएँ और अपने जानवर को उसको खिलाएँ। जी, मिनरल विटामिन देना है ज़रूरी, इसके बिना तो गाय रहेगी अधूरी। ये 100% सच है कि अगर आपने अपने गायों को मिनरल और विटामिन नहीं दिया समय पे, उनको जितनी मात्रा चाहिए वो मात्रा उनको नहीं दी, तो अच्छी नस्ल की गाय होने के बावजूद भी आपको ना पर्याप्त तो दूध मिलेगा, ना वो समय पे गाभिन हो पाएगी और ना साल में आपको एक बच्चा मिल पाएगा। इसलिए मिनरल विटामिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 24 घंटे पानी और 12 महीने हरा चारा, ना दिया तो मौका नहीं मिलेगा पछताने का दोबारा। जी हाँ, 24 घंटे पानी, क्योंकि दूध के अंदर 85% पानी ही होता है और ये जानवर हरे चारे के लिए बना है, तो इसको आप हरा चारा नहीं देंगे तो आप उस जानवर के साथ अच्छा नहीं कर रहे। तो उनको 24 घंटे पानी और 12 महीने हरे चारा देने की व्यवस्था करिए, और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो आप सफल होंगे, अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप पछताएंगे। कीड़े की दवा और टीकाकरण करवाओ, डेयरी से डॉक्टर को दूर भगाओ। जी हाँ, आप समय पे कीड़े की दवा अपने गाय भैंस को देंगे और समय पे नियमानुसार टीकाकरण करवाएंगे तो उनमें बीमारियों की संभावनाएँ बहुत कम हो जाएगी, और जब बीमारियाँ कम होगी तो आपकी डेयरी पर डॉक्टर आपकी डेयरी से दूर ही रहेगा। रिकॉर्ड रखना है बहुत ज़रूरी, नहीं तो जानकारी हमेशा होगी अधूरी। डेयरी में जो भी चीज़ें रोज़ाना होती हैं, चाहे वो उत्पादन से रिलेटेड हो, चाहे वो बीमारियों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी अन्य चीज़ों से रिलेटेड हो, मगर आपको आपकी गाय की हर एक चीज़ों की जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो आप रखेंगे तो आपके लिए भविष्य में कोई भी निश्चय लेना या कोई भी निर्णय ले पाना बड़े आसानी से हो जाएगा, और इसीलिए रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत कम समय में बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।